सुहेल भाई एक मिनट जरा थोड़े पर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख एहसान है। सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालायक के तुफेल में इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। मेरे कायदीन जो मुझ पर भरोसा किए हैं, मैं उनका भी बेहद शुक्रगुजार हूँ। और मैं ख़ास तौर पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सारे धर्म के लोग, अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग, हर कास्ट के लोग वोट किया है, इसलिए कि ये सीट, ये बीजेपी का शिकस्त जो है, ये बहुत बड़े दिल्ली के बड़े बड़े लीडर्स का शिकस्त है। जबकि चार मीनार पे आपके अमित शाह जी आना, इन तमाम लोगों की शिकस्त है, इसलिए इतनी बड़ी कामयाबी। जबकि लास्ट टाइम पे वो लोग मे बी 11,000 समथिंग वोट लिए, 10,600 वोट लिए, उसके बावजूद भी आज उन्होंने, उनके आने के बावजूद भी 2-3 हज़ार वोट कम लिए हैं। तो अंदाज़ा कीजिए कि लोग जो है MIM के काम को वर्क करने वाली पार्टी है, इसलिए अपना एतमाद जाएं। और मैं ख़ास तौर पर सारे मेरे हलके की आवाम से मैं ये कहूँगा कि मैं बिना मज़हब मिल्लत काम करूँगा, इंशाल्लाह अच्छे से काम करूँगा। और मैं आखिरी में सारे मेरे दोस्त अहबाब, मेरे सारे लोग मेरे साथ जो काम किए हैं, मुश्ताक सर हो, मुकरम सर हो, मुजफ्फर हो, ये लोग सारे खांदे खांदा लगा के सारे मेरे बड़े लीडर्स का भी बहुत ताउन रहा कि अकबर साहब हो, असद साहब तो ख़ास तौर पे 2-3 रैली कर रहे हैं, 3-4 जलसे कर रहे हैं, उन्होंने टाइम दिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रिज़ल्ट आया है, हम लोग भी बड़ी अच्छे तरीके से गेट टुगेदर अच्छे से, मतलब है ना भाई, एक अच्छे केमिस्ट्री के साथ, अच्छे तालमेल के साथ काम किया, इसका नतीजा ये है। और एक बात आपके चैनल से ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे मेघा रानी जी का कल मैं इंटरव्यू देख रहा था, उनको इस बात से उनको अपने आप में सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या बोले हैं। उन्होंने बोले हैं कि उधर इतनी परसेंटेज पोलिंग हुई, इधर इतनी परसेंटेज पोलिंग हुई, तो आप अंदाज़ा कीजिए वहाँ 7,000 वोट ही थे खाली, आज 5,000 वोट, 5,575 वोट अगर मिले हैं, तो सबसे ज़्यादा मतलब है ना भाई, मेरे को ये एरिया जो हिंदू भाई का, मुस्लिम सिख ईसाई जो एक बेल्ट में रहते, उन्होंने बेहद ताउन किया। बंगाली भाई रन दीजिए, चाहे मतलब सेलम वाले हों दीजिए, कर्नाटक वाले हों दीजिए, महाराष्ट्र वाले, सब लोग बेहद तरीके से काम किया। उनकी नाराज़गी भी थी, उनके काम की नाराज़गी अपने आप में देखना चाहिए, ना कि मतलब है ना भाई कि बुरखे वाले इस तरीके से डाले, छोटे बच्चे इस तरीके से डाले, ये सब बेसलेस है। उन्होंने अपनी शिकस्त मान लिए थे, उनका सिर्फ एक ही वो था कि हमारे पास जो परसेंटेज था, जो वोटों का टर्नओवर, हम उन्होंने जो एक इंडिकेशन लगा रहे थे कि सुबह के वक्त में 12-1-2 बजे तक 3 बजे तक है ना 20-25% पोलिंग हुई। हमारे लोगों की खास बात यह है कि हम 1 बजे के बाद से ही हमेशा कहीं पर भी देखिए, MIM के मुस्लिम बेल्ट में कहीं भी पोलिंग होती है, वो 1 बजे के बाद ही मतलब पिकअप पकड़ती है। तो उन्होंने खाली क्या डिले, खाली नेशनल मीडिया उनको लेके ना खाली ये बताना चाह रहे थे कि यहाँ पर अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए वो ज़्यादातर मुस्लिम बेल्ट के अंदर। और एक काबिल मुबारकबाद है वो जो मुस्लिम बेल्ट वाले भी, आप देखिए सिंगल लेडी, एक लेडी सिंगल बीजेपी की, वो हर बूथ को, हर वार्ड को गई है, और उसके बावजूद भी इस तरीके का इल्ज़ाम लगाना ये बेबुनियाद है। और तमाम मीडिया फ्रेंड्स का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, सारे लोग का फिर एक बार बोल रहा हूँ, जो मेरी टीम, मेरे दोस्त अहबाब और मेरी माँ का सबसे ज़्यादा मतलब है ना भाई इसमें रोल रहा है। मेरी माँ का भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मतलब है ना भाई, इंशाल्लाह मैं अभी यहाँ से सीधा मेरी माँ के पास जाऊँगा, उनके कदम बोसूँगा, कि उन्होंने एक रास्ता बताया मुझको, MIM में बेटे तुम जाओ और है ना भी इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा करेगा। वापसी मैं जब आप सदर मजलिस ने मुझ पर, सदर मजलिस और हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब, जब मेरी बातचीत हुई, तो मैंने कहा था कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करके सर ये सीट लाने की कोशिश करता हूँ, अगर आप मुझे दिए थे